हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय माथुर क्लासेस। अपन पढ़ रहे थे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो था पॉलीफेज। उससे पहले अपन ने पढ़ा था एसी थ्योरी का चैप्टर जो सिंगल फेज के लिए था, जो पॉलीफेज है वो थ्री फेज के लिए। मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई मैडम, एनके की बुक में थ्री फेज का भी है और आपने थ्री फेज अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको ये करा रही हूँ कि जो पॉलीफेज वाला जो वीडियो है वो थ्री फेज वाला ही है। तो अपन पढ़ रहे थे कि थ्री फेज सिस्टम में अपन आज पढ़ेंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शन। कि भाई स्टार और डेल्टा कनेक्शन, आपने नाम तो बहुत सुना होगा पर इसके बारे में समझा नहीं होगा। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं स्टार शेप में जो बना हुआ है ये स्टार है, और जो एकदम त्रिभुज की आकृति में बना हुआ ये डेल्टा है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो पार्ट होता है ए बी और सी, इनको तो अपन वाइंडिंग जो होती है, वाइंडिंग के सिरे हैं ए बी सी, इनको अपन आर वाई बी से संयोजित कर देते हैं, और शेष जो बचते हैं सिरे ए डैश बी डैश और सी डैश, इन तीनों को संयोजित करके एक स्टार बिंदु बना लेते हैं जो न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। जो स्टार बिंदु होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, और तीनों वाइंडिंग में आपस में कितना 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। परंतु डेल्टा होता है, डेल्टा में क्या होता है कि जैसे ये एक वाइंडिंग का सिरा है, ये एक सिरा है और ये दूसरा सिरा, तो पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा, ठीक है, फिर दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा, और तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग का पहला सिरे से कनेक्ट होता है, तो ये होता है डेल्टा संयोजन। समझ में आ गई बात। अब इनको अपन ए डैश बी को आर से जोड़ देते हैं, बी डैश सी को वाई से जोड़ देते हैं, ए सी डैश को बी से जोड़ देते हैं, तो आर वाई बी ये हो गया। अब जो स्टार में है, स्टार में क्या होता है कि जो स्टार बिंदु एन बनाते हैं, तो इसमें तीनों फेज में जो प्रवाहित धारा हो रही है वो क्या है कि आई ए आई बी और आई सी, ये क्रमशः विद्युत धारा लाइन में बहती है। तो क्या हो गया आई एल बराबर आई एल, आई एल बराबर आई ए बराबर आई बी बराबर आई सी, तो ये क्या हो गया सब संतुलित लोड है। तो इसको अपन आई एल बराबर आई पी भी कर सकते हैं, आई एल बराबर आई पी। आई एल क्या है लाइन धारा, और आई पी क्या है फेज धारा। क्या है आई एल बराबर आई पी, किस में आएगा स्टार पॉइंट में, स्टार पॉइंट में क्या आएगा आई एल बराबर आई पी, ठीक है। परंतु जो डेल्टा होता है, डेल्टा में आई एल बराबर आई पी नहीं होगा। इसमें क्या है कि जो कि भाई ए डैश बी को आर फेज से जोड़ देते हैं, फिर बी डैश सी को वाई फेज से जोड़ देते हैं, और सी डैश ए को अपन जोड़ देते हैं बी से संयोजित कर देते हैं, तो इन संयोजन में क्या होगा ई एल बराबर ई पी होता है। इसमें क्या होएगा ई एल बराबर ई पी होएगा डेल्टा में। ई एल कहो चाहे वी एल बराबर वी पी कहो, एक ही बात है, लाइन वोल्टेज और बराबर फेज वोल्टेज। इसमें क्या होगा ई एल बराबर ई पी, क्योंकि इसके अंदर क्या है न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, डेल्टा में क्या है न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। तो स्टार में तो आई एल बराबर आई पी मतलब करंट है जो समान होती है, परंतु डेल्टा में जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। तो अगर आपसे स्टार और डेल्टा के लिए अगर पूछ ले भी डिफरेंस क्या है, स्टार में क्या होता है और डेल्टा में क्या होता है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि स्टार में आई एल बराबर आई पी यानी कि लाइन करंट बराबर फेज करंट, परंतु डेल्टा के अंदर क्या होता है कि वी एल बराबर वी पी मतलब लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें स्टार पॉइंट में न्यूट्रल पॉइंट होता है और डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। तीसरी बात यह है कि जो तीनों इसमें क्या है कि स्टार कनेक्शन में होता है कि भाई अपन ने करंट बराबर आ गई, परंतु वोल्टेज क्या होता है कि वी एल बराबर अंडर रूट तीन वी पी एच,
क्या होगा, लाइन वोल्टेज बराबर अंडर रूट 3 फेज वोल्टेज, या EL बराबर अंडर रूट 3 EPH स्टार में। परंतु जो डेल्टा होता है, डेल्टा के अंदर क्या हो गया कि जब वोल्टेज समान हो गया तो करंट क्या होगी, अंडर रूट 3 गुना चेंज होगी। तो IL बराबर अंडर रूट 3 IPH क्या होगा। तो स्टार और डेल्टा में देखो, सबसे पहला तो है डिफरेंस कि IL बराबर IP स्टार में हो गया, परंतु डेल्टा के अंदर IL बराबर अंडर रूट 3 IP हो गया। दूसरी बात कि इसके अंदर EL बराबर अंडर रूट 3 EPH हो गया, परंतु इसके अंदर EL बराबर EPH हो गया। तीसरी बात की क्या है कि भाई तीनों वाइंडिंग में, जैसे इसमें क्या है कि R, Y, B तीनों हैं, एक फेज से जुड़े हुए हैं, परंतु जो दूसरे अंतिम सिरे हैं जो एक स्टार बिंदु को संयोजित कर देते हैं। परंतु डेल्टा में क्या है, पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा, दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा, तीसरी वाइंडिंग का सिरा पहला सिरा, तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के पहले सिरे दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया डेल्टा। कैसे, डेल्टा पहली वाइंडिंग है, ये पहली वाइंडिंग है, तो इसका एक सिरा ये हुआ, एक सिरा ये हुआ। तो इसका दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग का पहले सिरे से, फिर दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, फिर तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्ट होता है, ये डेल्टा संयोजन होता है। चौथा पॉइंट इसमें आ जाता है कि स्टार में न्यूट्रल पॉइंट होता है और डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। पांचवा पॉइंट इसमें आ जाता है कि लाइट और फैन तथा पावर दोनों के लिए लोड संयोजित किया जाता है, परंतु स्टार के अंदर जो होता है थ्री फेज लोड ही संयोजित कर सकते हैं। अब स्टार पॉइंट में आ जाता है कि ब्रेक डाउन की संभावना अधिक हो जाती है, और डेल्टा में है जो ब्रेक डाउन की संभावना बहुत कम होती है। तो ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन में डिफरेंस हो गया, और स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में भी अपन ने देख लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है कि स्टार में IL बराबर IP होता है और डेल्टा में EL बराबर EP होता है, और स्टार के अंदर VL बराबर अंडर रूट 3 VPH होता है, और इसके अंदर IL बराबर अंडर रूट 3 IPH होता है, और स्टार में न्यूट्रल पॉइंट होता है और डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। तो ये अपन ने देखा स्टार और डेल्टा के बारे में। अब जब सेकंड ईयर में अपन पढ़ते हैं मोटरों के बारे में, तो उसमें भी स्टार संयोजन और डेल्टा संयोजन होता है। तो उसमें भी क्या होता है कि जब मोटर अपन स्टार्ट करते हैं तो उससे स्टार संयोजन में होता है, फिर रनिंग स्थिति प्राप्त करने के बाद वो ऑटोमेटिक डेल्टा में संयोजित हो जाता है। तो मोटर्स में भी स्टार और डेल्टा संयोजन है, परंतु अभी अपन थ्री फेज वाइंड पढ़ रहे हैं, तो थ्री फेज में स्टार और डेल्टा है क्या, ये अपन ने देखा है। अब अपन देखते हैं कि भाई थ्री फेज सर्किट में पावर की गणना कैसे करते हैं। इसमें थ्री फेज सर्किट में पावर की गणना, थ्री फेज सर्किट में पावर की गणना कैसे करते हैं, क्योंकि अपन ने, मैं आपको बताया था कि P बराबर VI cos phi होता है। किस में होता है, ये सिंगल फेज में होता है। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया था AC और DC बताया था, AC और DC। तो DC में तो क्या, P बराबर क्या होता है, VI होता है। ओम के नियम के चैप्टर वन में अपन ने पढ़ा था P = VI, परंतु जब AC सप्लाई होती है तो वहाँ क्या होता है, P = VI cos φ होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये अपन को याद रखनी पड़ेगी। जब अपन ने पढ़ा था P = VI cos φ, तो ये किसके लिए पढ़ा था, सिंगल फेज के लिए। किसके लिए पढ़ा था, सिंगल फेज के लिए। आज अपन पढ़ रहे हैं थ्री फेज के लिए जो पावर की गणना कैसे करते हैं। तो थ्री फेज के लिए क्या हो गया कि पी बराबर, थ्री फेज है तो VI cos φ किस में आ गया, थ्री फेज में आ गया। किस में आ गया था, थ्री फेज में आ गया था। तो PI cos φ ये किस में है, फेज में है, तो ये अपन इसको फेज भी लिख सकते हैं। मतलब कि 3 VI phase cos φ ये किसका है, पी का पावर की वैल्यू है। किसके अंदर है, फेज के अंदर। स्टार हो चक इसमें कनेक्शन हो डेल्टा में, पावर की क्या आएगा, 3 VPH IPH cos
फाइव, ये आप ध्यान से समझना क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहता है कि थ्री फेज होता है उसमें अंडर रूट तीन आता है। कई कई जने आपसे ये भी पूछेंगे कि मैडम अंडर रूट तीन आता था और आपने तीन तीन ही लिखा है, तो मैं आपको ढंग से समझा रही हूँ, आप समझना ढंग से कि अंडर रूट तीन कहाँ आएगा और सिर्फ तीन कहाँ आएगा। अब भी ये मैंने लिख दिया कि फेज वोल्टेज और फेज करंट कॉज फाइव। अब अपने मैंने आपको स्टार कनेक्शन में बताया था कि वी पी एच बराबर वी पी एच वी एल बराबर अंडर रूट तीन वी पी एच, ये स्टार कनेक्शन में मैंने आपको बताया था। तो वी पी एच बराबर क्या होएगा, वी एल बटा अंडर रूट तीन। अब इस फॉर्मूले में अपन मान रख देते हैं तो पी बराबर क्या हो गया तीन, वी पी एच की जगह अपन ने क्या लिख दिया इंटू वी बटा अंडर रूट तीन, वी एल बराबर ठीक है इंटू आई पी एच कॉज फाइव। अब तीन बटा अंडर रूट तीन है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट तीन वी एल आई एल कॉज फाइव लिख सकते हैं क्योंकि लाइन में अपन नाप रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पी बराबर अंडर रूट तीन वी एल आई एल कॉज फाइव। तो पावर की ज्ञात करने के लिए, पावर ज्ञात करने के लिए अगर लाइन में पावर ज्ञात करनी है तो अंडर रूट तीन आएगा और फेज में ज्ञात करनी है तो सिर्फ तीन ही आएगा। ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। फिर अपन क्या है एग्जाम देके आ जाए, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जब पढ़ाते तब तो समझते नहीं हैं, फिर जब क्वेश्चन आता है उन आंसर अपन करते हैं कि नहीं इसका तो अंडर रूट तीन होएगा, मैडम आपने तो तीन बताया था। अरे बेटा जब बताया था तो आपने समझा ही नहीं, तो मैंने कब बताया था, फेज वाले में बताया था कि सिर्फ तीन आएगा, परंतु जब लाइन वोल्टेज और लाइन करंट क्या है तो अंडर रूट तीन आएगा। तो ये आप थोड़ा सा ढंग से समझे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और एग्जाम में कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करता है। अपन सोचते हैं मैं राइट करके आया, जब रिजल्ट आता है तो अपने तीन नंबर इसमें कट जाते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान से समझना है कि भाई तीन तीन कब आएगा, जब फेज करंट और फेज वोल्टेज होगा तब तो तीन आएगा, परंतु लाइन वोल्टेज और लाइन करंट आएगा तो अंडर रूट तीन आएगा। ये तो अपन ने देखा था कि स्टार कनेक्शन में देखा था, अगर इसी को अपन डेल्टा कनेक्शन में भी अगर पावर ज्ञात करनी तो उसका भी फॉर्मूला अपन देख लेते हैं कि भाई डेल्टा में क्या हो, ये तो अपन ने देखा था स्टार में देखा था, अब अपन क्या डेल्टा में देखते हैं। डेल्टा में क्या होता है अपने पास फॉर्मूला क्या है, वी पे बराबर वी एल एक तो फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला अपने क्या है आई पी बराबर क्या है आई एल बट्टा अंडर रूट तीन, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो अब इसमें भी अपन फॉर्मूले में मान रख लेते हैं क्या है? कि पी बराबर अपने पास क्या था, पी बराबर तीन इंटू वी एल इंटू आई एल बट्टा अंडर रूट तीन कॉज फाइव। तो तीन बटा अंडर रूट तीन करेंगे तो क्या हो गया, अंडर रूट तीन वी एल आई एल कॉज फाइव, ये भी स्टार कनेक्शन में हो गया है। अब अपन को तीन फेज में स्टार और डेल्टा संयोजन में पावर तो अपन ने ज्ञात कर ली, अब अपन को पूछता है कि पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला होगा, तो इसी फॉर्मूले में पावर फैक्टर का भी अपन लिख लेते हैं कि भाई कॉज फाइव पावर फैक्टर क्या होता है, कॉज फाई, तो कॉज फाई बराबर क्या होगा पी अपॉन अंडर रूट तीन वी एल आई एल, ये कॉज फाई का फॉर्मूला हो गया। तो ये कॉज फाई मतलब पावर फैक्टर निकालना है तो अपन ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं पावर फैक्टर। स्टार हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो फॉर्मूला यही रहता है, परंतु लाइन करंट और लाइन वोल्टेज आएगा तो अंडर रूट तीन आएगा और लाइन फेज वोल्टेज और फेज करंट आएगा तो सिर्फ तीन ही आएगा। तो ये अपना हो गया ये कि भाई पावर ज्ञात करना थ्री फेज सप्लाई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना ताकि आपको समझ में आएगा। अब आता है फेज क्रम, मतलब थ्री फेज होता है
थ्री फेज में फेज क्रम क्या होता है, आर वाई और बी। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फेज क्रम में अगर अपन क्लॉकवाइज घुमाते तो क्या रहता है और एंटी क्लॉकवाइज करते तो क्या होता है। तो देखो जो सीक्वेंस है ये जो आपकी घड़ी की सुइया होती है वो क्या क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, क्लॉकवाइज। और जो सुइया सुइया ये ऐसे घूमेगी तब तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर ये ऐसे घूमेगी तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका जो सीक्वेंस रहता है आर बी और वाई रहता है, परंतु जो एंटी क्लॉक होता है उसमें आर वाई और बी रहता है। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने लायक है कि थ्री फेज सप्लाई है जिसमें होता तो यही आर वाई बी, परंतु अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कनेक्ट करते हैं तो उसमें होता है आर बी वाई, परंतु एंटी क्लॉक में होता है आर वाई बी से। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन में अपन को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्लॉकवाइज पूछ रहा है या एंटी क्लॉक, या कभी कभी ये पूछ लेता है कि फिर सीक्वेंस है आर बी वाई वो कौन सी दिशा में होता है। तो लड़के तो कहते हैं आर बी वाई को चाहे आर वाई बी को एक ही बात है, तो उसको आर वाई बी कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। आर वाई बी कहाँ आएगा, एंटी क्लॉक में आएगा। ये आपकी कहीं बुक में ये चीज़ नहीं दी हुई, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो आर वाई बी तो आएगा एंटी क्लॉक में, पर आर बी वाई जो आता है वो क्लॉक वाई डायरेक्शन में आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये थोड़ा ध्यान रख के पढ़ना, ये कई बुक में ये चीज़ नहीं दी हुई है। पॉलीफेज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये अपने बहुत बाद में भी काम आता है। अच्छा, और एक बात यह है कि जो अपन आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं, अब कई जने ऐसे होते हैं कि क्या है पेपर आ जाता है नक्कल मार के पास हो जाएंगे, पर आईटीआई में तो आप पास हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भी अपन कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं आईटीआई पास करने के बाद, चाहे आप लोको पायलट का दो चाहे हेल्पर का दो, तो उसके अंदर आईटीआई का ही पूरा सिलेबस आता है। अब इलेक्ट्रिशियन के हैं तो इलेक्ट्रिशियन का पूरा चैप्टर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूरा सिलेबस। उस समय बच्चे कहते हैं कि मैडम उस समय आप पढ़ा रहे थे, उस समय ढंग से पढ़ लेते तो हमारे बहुत काम आता। तो आप ये मत सोचना कि आईटीआई क्या हम तो पास हो जाएंगे नक्कल मार लेंगे, ये नहीं है, ये चीज़ आपको बाद में बहुत काम आएगी। अब आता है एक्टिव और रिएक्टिव घटक। भाई एक्टिव और रिएक्टिव क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में इसी थ्योरी वाली वीडियो में आपको बताया था एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट, जिसमें अपन जिसको कहते हैं वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, ये इनकी पूरा मैंने एक बताया था कि आभासी शक्ति कैसे यूज आती है और वास्तविक शक्ति क्या होती है। तो आज अपन इसके बारे में फॉर्मूला ही देखेंगे कि भी एक्टिव घटक और रिएक्टिव घटक क्या होता है। तो एक्टिव घटक वास्तविक शक्ति को कहते हैं एक्टिव पावर, प्रतिघाती शक्ति यानी कि रिएक्टिव घटक पावर, और आभासी शक्ति यानी कि अपेरेंट पावर। ये एक अपन ने एक त्रिभुज बना लिया है, इसके अंदर क्या है कि ये जो है अपन ने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था लंब, आधार और कर्ण। तो ये क्या चीज़ क्या है आधार, ये क्या है लंब, और ये क्या है कर्ण, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। तो इसके अंदर क्या है कि जो ये तो है एक्टिव पावर, ये है रिएक्टिव पावर, और ये क्या अपेरेंट पावर। तो अपन ने कर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब इसमें एक्टिव पावर इसको अपन ने के डब्ल्यू में लिखा, किलो वॉट में लिखा, के रिएक्टिव पावर के वी ए आर होती है किलो वोल्ट एम्पियर, और तीसरी होती है अपेरेंट पावर के वी ए किलो वोल्ट एम्पियर। तो अपन इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या है के वी ए स्क्वायर, आधार क्या है के डब्ल्यू स्क्वायर, और लंब क्या है के वी ए आर स्क्वायर। तो के वी ए निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे क्योंकि स्क्वायर है इसमें, तो इस अंडर रूट के डब्ल्यू स्क्वायर प्लस के वी ए आर का स्क्वायर। तो के वी ए निकालने का ये फॉर्मूला है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपन को कॉस फाई निकालना है, तो कॉस फाई का अपने पास क्या होता है आधार बटा
कर्ण, आधार बटा कर्ण, या इसको अपन कहते हैं वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति क्या है, के डब्ल्यू है, और आभासी शक्ति क्या है, के वी ए है। तो के कॉस फाई बराबर क्या हो गया, के डब्ल्यू बटा के वी ए। तो ये क्या हो गया कि पावर फैक्टर ज्ञात करने का, जिसमें एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं, वो पावर फैक्टर का फॉर्मूला है के डब्ल्यू बराबर के कॉस फाई बराबर के डब्ल्यू बटा के वी ए। तो ये अपने एक्टिव और रिएक्टिव घटक का ये फॉर्मूला है। सबसे इम्पोर्टेंट है के वी ए बराबर के डब्ल्यू स्क्वायर प्लस के वी ए आर स्क्वायर। अब अपन देखते हैं कि थ्री फेज सप्लाई में जो शक्ति मापन कैसे करते हैं। शक्ति मापन के लिए फेज पावर नापनी है मेजर, तो किसमें नापते हैं अपन, वॉट मीटर के विधि द्वारा अपन क्या है कि पावर नापते हैं। तो इसमें तीन विधियां होती है, एक वॉट मीटर द्वारा, दो वॉट मीटर द्वारा और तीन वॉट मीटर द्वारा नापना है। तो इसमें तीन वॉट मीटर द्वारा है, ये स्टार में करो चाहे डेल्टा में करो। इसमें अपन एक देखते हैं कि स्टार में अपन कैसे करते हैं, एक वाट मीटर विधि द्वारा, दो वाट मीटर विधि द्वारा और तीन वाट मीटर विधि द्वारा। एक वाट मीटर विधि में क्या है कि इसमें लोड संयोजित करते हैं, इसमें एक वाट मीटर जैसे है, ये सी सी है और ये पी सी है। सी सी यानी करंट कॉइल होती है, पी सी यानी कि प्रेशर कॉइल। सी सी और पी सी का मतलब लिख देती हूँ, सी सी यानी कि करंट कॉइल और पी सी यानी कि प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक वाट मीटर विधि द्वारा अपन देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया अपन ने कि तीन तीन लोड संयोजित करो, चाहे अपन एक पे एक लोड संयोजित करके भी अपन देख सकते हैं। किसी एक पे अपन तीन फेज में से किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में अपन क्या है कि वाट मीटर संयोजित करके अपन इसकी पावर निकालते हैं। तो तीनों में सेम है तो तीन इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या है कि इसमें एक वाट मीटर विधि द्वारा, या एक वाट मीटर द्वारा एक वाट मीटर लगा दिया और इसमें तीनों में बराबर ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल पावर बराबर 3 × P1। इसमें अपन निकालेंगे वो ही इसमें आएगी और वो ही इसमें आएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 × P1। और ये एक वाट मीटर विधि होता है जो हमेशा संतुलित लोड होता है। क्या होता है, संतुलित लोड होता है। तो इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि भाई संतुलित लोड कौन सा होता है। क्वेश्चन में आ जाता है कि वह थ्री फेज पावर मेजरमेंट के लिए वाट मीटर विधि द्वारा संतुलित लोड किस में होता है, एक वाट मीटर द्वारा, दो वाट मीटर द्वारा, तीन वाट मीटर या किसी में भी नहीं, पर एक वाट मीटर विधि द्वारा जो होता है वो हमेशा संतुलित लोड होता है। और अगर ये तो अपन ने कर लिया स्टार कनेक्शन में, और अगर अपन डेल्टा कनेक्शन में करते तो डेल्टा में क्या है, न्यूट्रल नहीं होता है। डेल्टा में क्या है, न्यूट्रल नहीं होता है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, जो प्रेशर कॉइल है ये पी सी है, इसको अपन प्रेशर कॉइल को क्या करते हैं कि ये दो है इनके दोनों में रजिस्टेंस लगाकर अपन उसको कर देते थे, वैल्यू निकाल सकते थे। अब आता है दो वॉट मीटर विधि द्वारा। दो नाम से ही पता चल रहा है कि दो वॉट है, वॉट मीटर है। तो ये एक वॉट मीटर यहाँ लगा दिया, एक वॉट मीटर तीसरी लाइन में लगा दिया। अब इसमें क्या किया कि जो इसका कनेक्शन इससे कर दिया है, सी सी का मतलब बताया था करंट कॉइल, पी सी का मतलब प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, कॉइल एक ही बात होती है। अब इसका फॉर्मूला होता है पी टी बराबर P1 + P2। इससे अलग रीडिंग आएगी और इससे अलग रीडिंग आएगी, उन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रीडिंग आएगी। पर इसमें एक फॉर्मूला और होता है जो टेन फाई बराबर √3 P1 - P2 / P1 + P2। इसमें पी वन का मान अलग रखो और पी टू का मान अलग रख के टेन फाइव का मान भी अपन निकाल सकते हैं। परंतु जो दो वॉट मीटर विधि द्वारा होता है ये, इसमें हमेशा क्या होता है, संतुलित लोड भी होगा और असंतुलित लोड का पर भी कार्य करेगा। दो वॉट मीटर विधि द्वारा जो अपन लोड निकालते हैं, पावर निकालते हैं, उसमें संतुलित लोड भी होता है और असंतुलित लोड भी होता है। ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, एक वाट मीटर विधि में संतुलित लोड होता है, दो वाट मीटर में संतुलित भी होता है और असंतुलित भी
होता है। और इसका फॉर्मूला पी टी बराबर पी वन प्लस पी टू, टेन फाइव का अंडर रूट 3 पी वन माइनस पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू। इसके आधार पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, नहीं तो मैं आपको करा देती। सिर्फ यही पूछता है वॉट मीटर विधि द्वारा इसमें संतुलित लोड होता है या असंतुलित लोड होता है, या इसमें फॉर्मूला या डायग्राम दे दिया। डायग्राम देके ये पूछ लेता है कि कौन सा वॉट मीटर है, एक वॉट मीटर है या दो वॉट मीटर है, ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। अब तीसरा आता है तीन वॉट मीटर द्वारा पावर मेजर करना। तीन वॉट मीटर है, नाम से ही पता चल रहा है तीन वॉट मीटर, तो तीन वॉट मीटर अपन ने लगा दिए हैं। और इसका टोटल फॉर्मूला होता है पी टी बराबर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। तीनों में जो रीडिंग अलग अलग आती है इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल पावर आएगी। और जो थ्री वॉट मीटर वाला मेथड होता है वो असंतुलित लोड होता। इसके अंदर क्या होगा? असंतुलित लोड। एक वाट मीटर होगा संतुलित, तीन होगा असंतुलित, और दो वाला होगा संतुलित और असंतुलित लोड। तो ये अपन को ये याद रखना पड़ेगा कि असंतुलित है या संतुलित लोड है, और फॉर्मूला भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आज अपन ने पॉलीफेज वाला चैप्टर यहाँ पे समाप्त किया है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। और अभी तो आपके कॉलेज की छुट्टियां भी चल रही है लॉकडाउन के कारण, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी पढ़ाई में कहीं डिस्टर्ब नहीं हो। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है।